गिटार हाथ में पकड़ना बजाना आता है ना, कोशिश कर रहे हैं। हमसा गया है जमाना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों, रात को हम काफी लेट घर पर पहुंचे और उसके बाद यार हमारी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी सर्दी की वजह से। फिलहाल अभी अतुल भाई कह रहे हैं कि भाई मेरे को ना, मैं काफी दिनों से बोल रहा था अतुल भाई मेरा गिटार खराब हो गया दिलवाने चल लो, पर टाइम नहीं लग रहा था हमारा। फिलहाल अभी अतुल भाई का पता नहीं एकदम से मन बना, कहते कि भाई तेरा गिटार चाहिए था ना तेरे को, मैंने कहा हाँ चाहिए था भाई, कहते चल फिर लेने चलते हैं। तो भाई अभी वही लेने जा रहे हैं और आगे चल के देखते कि वहां पर कौन सा गिटार पसंद आता है। और यार भाई ये है बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर है पूरा का पूरा पीसी सेटअप। तो ये है प्रीति का, इसको वर्क फ्रॉम होम मिल गया, इसको भी जाते जाते नांगलो ही छोड़ जाएंगे। उठाओ भाई, उठाओ जल्दी करो इसको। अरे ओ लेबर साहब, ध्यान से भाई, अंदर सामान हैवी है। बाकी यार पता बात क्या है, इसको ना प्रीति को भी फाइनली मिल चुका है वर्क फ्रॉम होम। और भाई देखो डब्बे में पूरे भाई साहब एलसीडी वगैरह प्रॉपर सब भरा हुआ है पूरा। हाँ तो भरा हुआ, अब तुम इसको खाली मत कर देना, चलते चलते चलो फटाफट। हाँ भाई बैठो ना, डिक्की खोलो ना पहले। आ जाओ डिक्की खोलो। ये देखो भाई साहब, थिंक एंड ग्रो रिच डिग्गी में फेंकी हुई है इसने। ये देख लो बड़े फ्लोस पर को, इसको आगे रखो पढ़ लो, इसको मंगाना ही था क्या बस। यार तेरा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, तू कर मेरा एतवार एतवार एतवार। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार। हाँ तू ये बता आज वार क्या है भाई, दुकान बंद ना हो गिटार वाली। आज क्या वार है भाभी? इसीलिए मैंने बोला था आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को तो मार्केट खुली होती है सारी, मंडे बंद होती है। नहीं नहीं, ये जो म्यूजिकल शॉप है ना भाई, ये बुधवार को बंद होती है, सरस्वती माता का दिन गिनते हैं वो, इसलिए उस दिन वो छुट्टी करते हैं। चलो यार शुक्र है यार आज मंगलवार है हनुमान जी, बस गिटार मिल जाए बढ़िया सा मजेदार सा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं प्रीति दीदी के घर पर, इनको यहाँ पर छोड़ते हैं और शक्ति को भी यहाँ से लेते हैं, फिर गिटार लेने चलते हैं। भाई भारी है यार ये तो काफी। तो गाइस वहां पर छोड़ दिए प्रीति दीदी के घर पर सारा सामान, सांस चढ़ गई भाई साहब, इतना भारी सामान लेके सीढ़ियां चढ़ने से सांस बहुत चढ़ गई। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम हमारी फेवरेट शॉप जो कि है सोना म्यूजिकल। काफी पुराने हम यहां से आते हैं और यहां से सामान वगैरह लेते रहते हैं। फिलहाल यहां पर भाई देखो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है काफी सारी, गिटार्स की भी, हारमोनियम, तबला, शक्ति के लिए सब हम यहीं से लेकर जाते हैं। फिलहाल भैया कोई बढ़िया सा गिटार दिखा दो यार आप, गिटार दिखा दीजिए थोड़ी इनिशियल रेंज में जो थोड़ा सा अच्छा हो, पहले वो देख लेते हैं। ये वाला आएगा, क्या बात है भाई, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार बजा कर देखते हैं कैसा है। सो गाइस जादी भाई ने पकड़ लिया गिटार हाथ में, पकड़ना बजाना आता है ना, कोशिश कर रहे हैं। हमसा गया है जमाना। इतनी बुरी आवाज, कोई बात नहीं भाई, बजा बजा के सीखेंगे। क्या बात, ये ट्यून्ड है गिटार प्रॉपरली? अभी प्रॉपर नहीं है बट फिर भी ठीक है। इससे थोड़ा सा भैया थोड़ा और अच्छे वाला दिखाना, बढ़िया वाला दिखाओ, बढ़िया वाला। हाँ मतलब ये तो सिर्फ दिखने में अच्छा है, कुछ थोड़ा सा हो। क्यों भाई? हाँ। एक ही दिखाओ जो मजेदार सा हो, बजा के मजा आ जाए। हाँ मतलब इधर दूसरे ट्राई ना करने पड़े। क्या बात है भाई, ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है गाइस। कलर आप बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कलर? ये वाला ठीक लग रहा है मुझे तो यार। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है। वैसे तो वो ब्लैक पियानो फिनिश भी दिख रहा है लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि इस पे स्क्रैच आ सकते हैं ना। तू ही है मुझको बता दे। ये बढ़िया लग रहा है भाई, ये साउंड ठीक कर रहा है यार। हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है भाई ये वाला। फिलहाल ये ऑलरेडी ट्यून्ड ही पड़े हुए हैं भैया, है ना ये वाला गिटार? कुछ कुछ ट्यून्ड भी रखते हैं, कुछ कुछ बिना ट्यून्ड के भी रखते हैं। हो सकता है ये कोई चेक करके गया हो ना लास्ट टाइम, इस वजह से ट्यून्ड ही पड़ा हुआ ये वाला। नहीं तो कहना क्या चाहता, नॉन सिलेक्टिव पीस ले रहा हूं मैं। नहीं नहीं, कहना चाह रहा है भाई बढ़िया लग रहा है ये वाला लेंगे। ये वाला ठीक लग रहा है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, और कोई तो नहीं ट्राई करना ना गाइस? आप बताओ ये वाला बढ़िया ये वाला? अरे यार मुझे बताओगे तब तक तो मैं ले चुका हूँगा। नहीं नहीं यार वैसे मेरे को तो पता क्या, नहीं कलर की बात नहीं है एक्चुअली, पता क्या ये साउंड अच्छा कर रहा है आज। आज में मुझे लग रहा है भाई पूरी म्यूजिक पार्टी बन जाएगी हमारे। यार ये देखो अब ये कह रहा है अतुल भाई आया तो हारमोनियम भी चेक कर जा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ओ भाई क्या बात है, मैं तो कह रहा हूँ जगराते शुरू कर देते हैं दोनों भाई। ये ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग में कुछ नहीं रखा, जगराते शुरू कर देते हैं। वे चंगा नियों की ताबीबा, वे चंगा नियों की ताबीबा, दिल मेरा तोड़ के। भाई कम से कम भी ना मैंने 2 साल बाद हाथ लगाया आज। और यहाँ पर भाई फिलहाल ये गिटार के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बैग मिल रहा है
और पिक कितनी दोगे भैया? 4-5 ले लेते हैं। चलो भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दे देना, ये सबसे ज़्यादा खोती है, बाद में आया भी नहीं जाता दूर। ये लो भाई, भैया ने भर के दे दिए पिक हमें, और साथ में भैया से हमने एक कैपो भी ले लिया कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री भैया? अरे चलो कोई बात नहीं, मजे ले रहे थे भैया, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो भाई फिलहाल गिटार हमारा हो चुका है, बाकी जो गिटार लेने का मेन रीज़न है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मेरे लिए तो चलो ठीक है, था ही था, लेकिन शक्ति का कल था बर्थडे और इसको भाई कोई गिफ्ट नहीं दिया था मैंने, तो मैंने सोचा भाई गिटार ही ले दें आज इसको। पिछली बार हमने इसको ढोल दिया था, उससे पिछली बार इसको हमने तबला दिया। हाँ सब बजाना सीख गया अब गिटार से, अब सीखेगा भाई गिटार? गिटार नहीं आएगा। अरे आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं नहीं आता भाई। अभी फिर बता दे, फिर भैया को मना कर दे हम। अभी मना कर देते हैं, फिर और बता भाई, आप अपने लिए ले लो। चलो भाई अब नहीं बजा रहा, हमने तो अब लेना ही है, हम तो ले सही। गिटार तो उठा लो भाई, चल रहे हैं, कह रहे चलो भाई चलो, गिटार तो उठा लो, पैसे भर के कह रहे चलो भाई, कोई बात नहीं। ओके भैया अच्छा लगा आपसे मिलके। गाइस आपको भी कभी आना हो तो एक बार सोना म्यूजिकल जरूर आना, रोहिणी के अंदर है, काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर गिटार वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो भाई घर पे आए हैं अभी जस्ट, अभी तंशी भाई करने वाले भी आए हुए हैं यहाँ पर, कह रहे कि आप कहाँ पर गए थे भाई, मैंने कहा गिटार लेने गया था भाई। अच्छा भाई। हाँ ये बस बढ़िया बढ़िया, ये देखो गिटार लेकर आए, खोलना इसको, खोलना एक बार, ये है भाई गिटार, इसकी तो तार ही निकली पड़ी है। ओ तार टूटी है, निकली पड़ी है, दिखाना, टूटी हुई है तार, टूट गई भाई। ये तो तू कर रहा था ना उसकी वजह से हुआ है। हाँ मैंने नहीं करा। और गाइस देखो अभी जस्ट निकाला ही है इसमें से, और देखो इसमें से देखो भाई गिटार को निकालते, तार टूटी हुई निकली है इसकी, ये नंबर वाली। तो गाइस अभी मैं शक्ति और तंशी गिटार की तार लेने जा रहे हैं, फिर बजाएंगे, क्योंकि आज बजा के तो रहेंगे भाई, बहुत मन है, इतने टाइम हो गया बजा के देखा भी नहीं है। तो अभी तंशी भी घर पर आए हुआ है, तो चलते हैं भाई स्कूटी पर गिटार की तार लेने। तो गाइस फाइनली आ चुके गिटार शॉप, और यहाँ से लेते हैं भाई तार। कुत्ता बिठा रखा भैया एंट्री पे, कहेगा तो नहीं कुछ? अच्छा मुझे लगा कहीं काट लेगा। काट लेगा तो उसको बराबर से बैठने देंगे? नहीं 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 सही बात है, एक गिटार का पैकेट, वो तार का पैकेट देना। नहीं नहीं भैया इतना हैवी नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल चाहिए जो बेसिक आता सबसे। तो फिलहाल गाइस ये देखो दो स्ट्रिंग ले लिया, टूट गई थी ना अभी, अब आराम से बजाएंगे भाई। तो गाइस फाइनली हम गिटार की तार लगाने लगे हैं, और ये जो पुरानी वाली तार है ना ये वाला, इसका पहले ये पोर्शन निकालना पड़ेगा हमें। तो गाइस ये तार को सबसे पहले इसके अंदर डाला, और बहुत सिंपल है, बस इसको ऊपर से ऐसे बंद कर दिया, ये लो अभी नहीं निकलती है, ये लो भाई। ओ वट जा मामा, अबे पेचे मत लड़ा दियो तारों के सारी के आपस में। अरे भाई रुक जाओ यार शांत रहो। क्या बात है, क्या बात है, लिखे जो खत तुझे। तो फिलहाल गाइस अभी गिटार को चेक करने के लिए हम आ चुके हैं छत पर, और फिलहाल भाई अब बजाते हैं, और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाएगा, आप लोगों का भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। पिक कहाँ गई मेरी, इसके बिना कैसे बजेगा। तो भाई आप लोगों का भी मनोरंजन हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, काफी टाइम बाद बजा रहा हूँ वैसे मैं, बाकी आप लोग बताना है कैसा गाता हूँ और कैसा बजता है मेरा गिटार। जितनी हंसी है
सो गाइस गाना वाना तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी यार मैंने तो अपनी तरफ से जैसा हमें आता है कभी बार टाइम पास के लिए हम पहले गा लेते थे, ये मैंने सीखा भी नहीं है, किसी से खुद ही बजाना सीख गया था मैं धीरे धीरे। बाकी इससे पूछते तंशी भाई से कैसा लगा आपको? मजा आया भाई, मस्त मस्त लगा, गाना बढ़िया लगा। हां भाई। चलो शक्ति भाई आपको कैसा लगा? भाई मैंने तो खुद भी गाया लेकिन आपका आपके गाने में ट्यूनिंग अलग थी। अच्छा ट्यून ही अलग थी। हाँ। क्या बात है भाई, बंदे ने तारीफ कर दी भाई, सब देख लो चाचू की तारीफ करी है भाई, अब तो भाई साहब बनते हैं, अब तो कमेंट बनता भाई साहब। तो गाइस अभी यहाँ पर शक्ति अपने गिफ्ट निकाल कर बैठ चुका जो इसको कल मिले हैं, हालांकि तो हम गिफ्ट कल्चर को तो हम फॉलो करते नहीं है ना ही हम प्रमोट करते हैं, बट हम मिले हैं तो शक्ति कह रहा भैया मेरे को खोलने हैं, आप मेरे को खोलने दो। फिलहाल भाई खोल के दिखा रहा है, मैंने बोला रुको खोल रहे हो तो फिर लोगों के सामने ही खोल लो, तो भाई ये वाला पहले गिफ्ट खोलो, इसके अंदर दिखाओ क्या है भाई साहब। टेब भाई कैंची चाहिए, अरे खोल ले कैंची के लाले कैंची देख रहे भाभी अभी इसके चोचले पूरे नहीं होते, इसको कैंची वैची सब चाहिए, कुछ ना कुछ। ये क्या है? क्रॉसवर्ड स्ट्रेन योर ब्रेन एंड स्पेल इन टाइम। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये गेम है क्रॉसवर्ड नाम का, बाकी इसके अंदर शायद स्पेलिंग्स या ऐसा कुछ बनाना होगा, है लूडो जैसा ही गेम है ये, बाकी मजेदार है ये वाला भी। चलो एक तो ये गिफ्ट मिला शक्ति को और एक ये भी मिला, शक्ति दिखाना है इसके अंदर क्या है। अच्छा भाई इसके अंदर शक्ति को भाई वॉच मिली है, क्या बात है भाई, ये वॉच इसके पापा ने दी है। अच्छा इसके पापा ने दी है, चलो ठीक है। और चीजें दिखाना और क्या है ये भाई? ये ओह सीधा ही फाड़ दिया, क्या बात है। इसके अंदर कपड़े हैं शायद, है ना? कपड़े हैं, कपड़े दिखाना क्या है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, शक्ति तेरे तो सही मजे हो गए भाई इस बर्थडे पर हैं इसमें। अच्छा चलो इसको भी खोलो देखते हैं, थोड़ा सा इमेजिंग खोलो खोलो। ओ तेरी, ये भाई पूरा बैग है इसके लिए, स्कूल के लिए है ना? नहीं हाँ कलर किट बैग। अरे वाह फड़ फड़ अच्छा अच्छा, इसके अंदर मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, कलर भी हैं साथ में, शार्पनर पेंसिल ए टू जेड सारी चीज़ें हैं, जैसे ये स्केच कलर्स हो गए। इसको खोलना है, इसके अंदर क्या है? भाई यहाँ पर सील हो रखा है, सील हो रखा है, चलो कोई बात नहीं। वैसे दिख रहा है इसके अंदर पेंसिल्स वगैरह हैं और क्रेयॉन्स हैं और साथ में एक ड्राइंग बुक वगैरह है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे गिफ्ट शक्ति को मिले हैं भाई सब इसके बर्थडे पर। और गाइस यहाँ पर खाना भी आ चुका है, फिलहाल यहाँ पर बनी है आज पालक पनीर मक्खन डाल के और साथ में मूली और साथ में देखो भाई डेजर्ट के अंदर गज्जक भी दी हुई है। बाकी गाइस व्लॉग को भी एंड करते हैं आज यहीं पर, आपको व्लॉग कैसा लगा एक बार लाइक करके जरूर बताना और कमेंट में जरूर बताना कि व्लॉग का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा, और अगर चैनल पे नहीं तो यार सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।